room is first stage. It is a room. Separate room which has got a sequence of machines. Sequence of machines. A room में number of machines आएंगे ना. Number मतलब sequence. One after the other. इस sequence हो गया. Sequence of machines. क्या करोगे? सबसे पहले लेटर से कॉटन. कॉटन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर वेस्ट दूर करना है. सेकंड थिंग, धागे के लिए उसे पतला करना है. अब वेस्ट सपोज दिस इज द टफ्ट, इसके बीच में वेस्ट है, तो क्या करोगे? पहले उसे खोलोगे. तो फर्स्ट प्रोसेस विल बी क्या करोगे? ठीक है, ओपनिंग. देन सेकंड प्रोसेस क्या करोगे? उसे ओपनिंग करके उसमें क्या चीज है? बेस. तो क्या करोगे? क्या बोलेंगे? रिमूव वेस्ट या क्लीनिंग. तो पहला ओपन करोगे, मैंने बीच में कोई वेस्ट है तो जब खुलेगा तभी निकलेगा ना वेस्ट. ठीक है, ओपनिंग क्लीनिंग, दीज आर टू इम्पोर्टेंट. अब क्लीनिंग किस किस की करोगे? उसके अंदर डस्ट होगी, ठीक है, उसके अंदर आयरन पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये अलग अलग लिख रहा हूं. और मेन क्या हो गया? उसके अंदर डिफरेंट टाइप का वेस्ट और फॉरेन मैटर हो गया. ये तीन अलग अलग क्लीनिंग है कम से कम. डस्ट और फ्लाई जो उड़ने वाली चीज है, ये हल्की हुई ना, ये ऊपर उड़ेगी, ऊपर से सक्शन करोगे. क्लियर? ये अलग अलग क्लीनिंग. आयरन पार्टिकल्स या मैग्नेट से रिलेटेड है, वो चिपक जाएंगे, वो अलग रिमूव होंगे, और बाकी जो वेस्ट है वो नीचे गिरेगा. ठीक है, जब चलाओगे तो नीचे गिरेगा. तो फर्स्ट थिंग क्या है? ओपनिंग. पहले थोड़ा बहुत ओपन करेंगे हम इसे, फिर ओपनिंग के साथ में क्लीनिंग करेंगे. ओपनिंग वी विल कीप ऑन डूइंग, देन क्लीनिंग. अब देखो इतना मोटा टफ है सीधा, अब तुम्हारे बाल हैं, उलझे पुलझे हैं, सीधे कंघा मारोगे तो क्या होगा? या तो बाल टूटेंगे या कंघा टूटेगा. ठीक है, तो धीरे धीरे इसे फॉर्म करते हैं. ये तो क्लियर है. दिस इज वन पॉइंट. कॉम से देखो, कॉम एंड हेयर इस कॉम्बिनेशन से डिस्कस करते हैं. क्लियर? अब जैसे लड़कियों के बाल तो पूरे लंबे होते, खूब लगता है ना टाइम. अब इसमें कॉम भी अलग अलग होते हैं, देखा है, खुले खुले होते हैं और वो मोटे होते हैं. ऐसे यूज करते हो तुम, खुला और मोटे वाले इसमें वो है. ठीक है, और फिर उसके बाद में थोड़े से पतले हो जाएंगे, पर वो पास पास भी हो जाएंगे. ऐसे ही होता है ना, दोनों कॉम्बिनेशन नोट करना, मोटे और पास कम हो गए. मोटा है तो दूर दूर हो गया, यानी बहुत ज्यादा हैवी हेयर के लिए हो गया. ये क्लियर हो गई? पतले, जैसे मेरे बिल्कुल पतले बाल है, उसमें तो बिल्कुल छोटी कंघी भी चल जाएगी बाद में. पहले तो इतनी, फिर इतनी, बाद में यूज करते ना, पहले इतनी बड़ी करते हो यूज कंघी, फिर वो सीधे हो जाएंगे, फिर जुए जाने के लिए भी करते हैं छोटी. ये तीन बातें ध्यान आ गई. क्या क्या? कॉम्ब में डायामीटर हो गया, एक उसका डायामीटर हो गया ना कॉम्ब की, उसका नेल का. और फिर क्या है? डिस्टेंस. ये क्या हुआ? डायामीटर लार्ज से जैसे जैसे ठीक होता जाएगा स्मॉल की तरफ, इट विल गो टू फ्रॉम लार्ज टू थिन, थिक टू थिन, ऐसे ही होगा. एंड डिस्टेंस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ऐसे ही है. डिस्टेंस बिटवीन टू टू कॉम्स, कॉम नेल्स, यही है, ऐसे ही है. अगर बाल सुलझा लिए, सीधे हो गए, ठीक हो गए, तो क्या होगा उसके बाद? यू कैन डिक्रीज द डिस्टेंस एंड यू कैन मेक द डायमीटर थिन, पतला बना सकते हो. फाइन, फाइन वाला तो नहीं चलेगा ना शुरू में, और उसमें डिस्टेंस कम है, वो नहीं चलेगा. ये क्लियर है? सेम इज विथ दिस ओपनिंग. क्लीनिंग की बात नहीं कर रहे, ओपनिंग. पहले क्या होगा? थिक साइज नेल्स होंगे और उनमें डिस्टेंस काफी होगा. क्लियर? विद टाइम वो नेल्स पतले होते जाएंगे और डिस्टेंस कम होता जाएगा. ये क्लियर होगी? एंड में कार्टिंग में बिल्कुल जैसे
मिनिमम तार जैसे बिल्कुल पतले तार जैसे हो जाते हैं, और स्टार्टिंग में क्या साइज होगा उसका, इतना बड़ा टायर इतना भी हो सकता है, ठीक है क्लियर। और ऐसे नेल्स हो सकते हैं, फिर वो ऐसे हो जाएंगे सॉ टूथ, फिर कॉम जितने हो जाएंगे, फिर वो बिल्कुल ही बारीक हो जाएंगे। एज ओपनिंग गोज ऑन, जैसे जैसे ओपनिंग होती जाएगी ये बारीक होते जाएंगे और इनका डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। ये क्लियर हो गई। दिस इज अबाउट दी रोलर एंड दीज पिन्स आर ऑन रोलर और लैटिस, या तो वो शीट के ऊपर चलते हैं ऐसे, या और दे विल बी ऑन अ रोलर ऐसे या ऐसे। देखो ये स्ट्रेट हो गए ना, ये बिल्कुल शुरू में हो गए, इसमें तो क्या है थोड़ी सी पिन हो गई, तो ये तो बीच में पेनिट्रेट करेंगे, ये तो पेनिट्रेट भी नहीं करेंगे उसके अंदर, ये तो उसकी बस थोड़ी सी धुनाई करेंगे उससे खुल जाएगा। क्लियर हो गया। ये भी पेनिट्रेट करेंगे तो स्टार्टिंग में ये आ सकता है, उसके बाद में ये आ जाएंगे, ये बात आ गई समझ में, उसके बाद में और पंजे आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ब्लो रूम एज द नेम सजेस्ट इट इज अ रूम एंड रूम हैज अ सीक्वेंस ऑफ मशीन्स। इतना मान लो ये ब्लॉक इतना रूम हो गया, लेंथ हो गई, इतना भी हो सकता है, ठीक है। इस रूम की लेंथ और विड्थ, अब ये छोटा हो गया, छोटे होते जाते हैं जैसे आजकल स्पीच कर रहे थे, इतना एक फ्लोर रूम लाइन हो गया, इधर बिन्स लग गई और इधर चार मशीन्स हो गई। पहले होती थी 5 मशीन 6 मशीन 7 मशीन, अब कितनी हो गई 4 इन केस ऑफ कॉटन सिंथेटिक में 2 ही, सिर्फ ओपनिंग करनी उसमें वेस्ट करनी। कॉटन में 4 क्यों है, व्हाई देयर इज 4, बिकॉज क्लीनिंग इज ऑल्सो टू बी डन, वेस्ट इज ऑल्सो टू बी टेकन आउट, ठीक है। ब्लो रूम, रूम विच हैज अ सीक्वेंस ऑफ मशीन एंड विच ब्लोस, ब्लो समझ में आता है, ब्लो करना, ठीक है, बाहर की तरफ फेंकना, सक्शन, अंदर खींचना सक्शन है, ब्लोअर सुना है, ब्लोअर होता है, यस yes, सर, तो वो हवा मारता है, वो सक्शन करता है, वापस खींचेगा वैसे ब्लो करेगा, बाहर की तरफ हवा मारेगा। तो ब्लो रूम, अ रूम विच हैज मशीन दैट थ्रोज अवे दी मटेरियल, क्लियर है। तो इट हैज नॉट सीक्वेंस ऑफ मशीन प्रेजेंटली, नॉर्मली इन केस ऑफ कॉटन वी हैव प्रेजेंटली 4 मशीन एंड इन केस ऑफ सिंथेटिक इट इज 2 मशीन। अब कैसे है, सपोज करो 1 2 3 4, अब हर एक उसमें बाईपास बना हुआ है, कहीं भी बाईपास है, अपना ये बाईपास ही है, तो बाईपास अगर इफ यू डोंट वांट टू यूज सेकंड मशीन तो डायरेक्टली भी यहां आ सकती है, ये यहीं पे आएगी, ये यहां से क्लोज हो जाएगा और इसी जगह पे पॉइंट पे आ जाएगी, तो आइदर यहां जाएगा और मटेरियल विल गो टू दिस साइड इफ यू वांट टू क्लोज दिस, हो गया 1 से 2 2 से 3 में आ गया और 2 से 4 में, या 1 से 4 में, सिंथेटिक है तो 1 से सीधा 4 में, ये वाला बाईपास इधर से मटेरियल ओपन हुआ थोड़ा सा, यहाँ आ गया, यहाँ ओपन हो गया, ये दोनों बंद कर दी मशीन। वो हम अंदर घुसेंगे, अभी तो मशीन का सीक्वेंस देख लो, ठीक है। मशीन नंबर 1 2 3 4, हम इसमें कॉटन चला रहे हैं तो मे बी 4 बहुत फाइन अच्छी क्वालिटी की कॉटन आ गई, तो मे बी एक मशीन बंद करनी है, फर्स्ट एंड फोर्थ तो चलेगी, फर्स्ट और लास्ट यहाँ मटेरियल डलेगा और यहाँ आउट आएगा, तो वी कैन क्लोज 2 और 3 एज पर चॉइस, ठीक है। सिंथेटिक फर्स्ट और सीधा 4 पे, वेस्ट तो चाहिए नहीं, फिर वेस्ट है नहीं, सिर्फ क्या करना है ओपन, आप मिक्सिंग भी नहीं करनी, सारा मटेरियल एक जैसा है, क्लियर। तो इन केस ऑफ सिंथेटिक मिक्सिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड क्लीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट क्या कर रहे हैं हम, मिक्सिंग ये कर रहे हैं ना, इसमें
मटेरियल जब घूमेगा तो मिक्स भी होगा, ओपनिंग क्लीनिंग है तीन बेसिक मेन ऑब्जेक्ट्स हो गए। चौथा ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा वो आउटपुट हो गया, ठीक है। तो तीन वर्ड्स याद रहेंगे क्या क्या है, ओपनिंग क्लीनिंग मिक्सिंग या पॉलिएस्टर विस्कोस है तो ब्लेंडिंग यहां भी कर सकते, दोनों सिंथेटिक फाइबर है, वेस्ट का वेरिएशन नहीं है, ठीक है। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ये चौथा पॉइंट भी होता है, दिस कैन बी फोर्थ पॉइंट, दिस कैन बी थर्ड पॉइंट, क्लियर। ये क्लियर हो गया सीक्वेंस ऑफ मशीन्स, यहां बिन लग गई। तो अगर कॉटन चलाना है कॉटन के हिसाब से चला लोगे, सिंथेटिक चलाना है रीजनरेटेड या मैनमेड तो उस हिसाब से, मींस एक्रिलिक चलाना है विस्कोस चलाना है पॉलिएस्टर चलाना है पॉलिएस्टर विस्कोस चलाना है, हो गया ना। पॉलिएस्टर विस्कोस ब्लेंड हो गया, पॉलिएस्टर कॉटन नहीं चलेगा, क्यों पॉलिएस्टर कॉटन क्यों नहीं चलेगा, कॉटन में वेस्ट है, हमें काफी सारा वेस्ट निकालना है और वो पॉलिएस्टर वेस्ट में निकल जाएगा, पॉलिएस्टर में तो वेस्ट है नहीं। प्लस जितनी बार भी देखो बाल है मैंने कंघी करनी है, मैं उसको चार बार करूंगा तो टूटेंगे, तो मोर द बीटिंग वी डू मोर द फाइबर ब्रेकेज विल आल्सो या रप्चर, टूटना जो भी थोड़ी खराबी तो जाए, ठीक है। तो बेनिफिट ओपनिंग के साथ में क्या होगा, फाइबर रप्चर और ब्रेक, ये वाणी बताएगा, इसमें भी नहीं लिखा लिख लो ब्रैकेट में, ये काम भी होगा, दिस इज पॉजिटिव थिंग दिस इज नेगेटिव साथ में होगा, ये हमें ध्यान रखना है। रप्चर भी ना तो पहले क्या करोगे, बड़े प्यार से मटेरियल लाओगे, इफ इट इज 10 इंच टफ, ठीक है, देखो इधर से पकड़ लियो और इधर से खींच दिया, क्या होगा, ये फाइबर विल ब्रेक, ये रप्चर विल बी मोर। सेकेंड पॉइंट, ये नेल्स मुड़ जाएंगे, इनका जोर लगेगा तो ये मुड़ जाएंगे, खराब होगी क्वालिटी, अगर उसमें कंघे में ऊपर नीचे टूट गए दांत तो खत्म है, वो थोड़ा देर टूट जाए, क्लियर। और थर्ड, ये यहां से स्लिप भी करेगा, कुछ खराब कर देगा सेटिंग को, ये क्लियर हो गया, इस बात को लिख लो हिंदी में, ठीक है। ओपनिंग के साथ में लिख लो, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लोरूम में है ओपनिंग, ये रख ओपन द फाइबर, ब्रैकेट में कर लो विद ओपनिंग बीटर से, इफ हार्ड सेक्शन इज देयर, मतलब हार्ड एच आर एस एच एक्शन इज देयर, देन फाइबर अपचर और ब्रेकेज विल बी देयर, रप्चर और ब्रेकेज विल बी देयर, इसको दोबारा देखना बाद में, पॉइंट्स नोट कर रहा हूं, लिख लिया, ठीक है, ये बात लिख ली, ये ब्लेंडिंग में लिख लिया, पॉलिएस्टर विस्कोस नॉट पॉलिएस्टर कॉटन, ये फिर एक्सप्लेन करना अपने आप में दिमाग में अगले सेमेस्टर में, पॉलिएस्टर विस्कोस क्यों हो सकता है ब्लेंड, पॉलिएस्टर कॉटन क्यों नहीं हो सकता, ये खुद के दिमाग में लिख लो, पॉलिएस्टर विस्कोस नॉट, यहां पे ब्लेंडिंग नॉट पॉलिएस्टर कॉटन पीसी बिकॉज ऑफ वेस्ट परसेंटेज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ वेस्ट परसेंटेज, ये एक्चुअल में जो अब मैं बातें बता रहा हूं ये पूरे नेक्स्ट सेमेस्टर में जब सब्जेक्ट आएगा तब ये आना है, लेकिन वहां नहीं बताया जाएगा, इफ यू विल रीड तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, रप्चर हो जाएगा फाइबर, वेस्ट वाई वी एड ओनली 5% और देख के वो वेस्ट हैज पास थ्रू दीज बीटिंग पॉइंट्स, चार बीटिंग पॉइंट्स, फिर कार्डिंग, फिर ड्रॉफ्रेम, फिर वो वापस आया है, इतना बीटअप वो हो गया, उसकी रप्चरिंग और वो ओपनिंग हो गई, उसमें वेस्ट नहीं है, समझ में आई, उसे फिर सेकेंड टाइम लेके जाओगे, अगर उसमें इफ यू आर एडिंग मोर वेस्ट 10% 15% तो काफी वेस्ट निकलेगा ना नीचे, वो सेकेंड टाइम में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा फाइबर, इस बात को क्लियर हुई, व्हाई डू वी एड वेस्ट अप टू अ लिमिट, ये बात समझ में आई, इतना वेस्ट डालते हैं नीचे नहीं निकले वो, सॉरी वापस ना आए, ठीक है। इफ इट इज कमिंग बैक सेकेंड टाइम
तो रप्चरिंग और फाइबर ब्रेकेज इतनी ज्यादा हो जाएगी दैट इट विल नॉट बी फिजिबल टू यूज दैट पर्टिकुलर फाइबर. ये क्लियर होगी बात, इसलिए कम ऐड कर दें, ज्यादा ऐड कर दो तो साफ सुथरा है, बेस निकल गया ना तो साफ सुथरा ही आएगा, बट ड्यू टू दिस रीजन ये अब आगे क्या होगा वो देख लेना. क्लियर है? फाइबर रप्चर बोलना, ये रिकॉर्डिंग ही देख लेना, अगले सेमेस्टर में भी देख लेना, लिखना जरूरी है. ये क्लीनिंग तीन मेथड हो गए, अप मैग्नेट एंड डाउन. अप में कौन कौन सी हुई? फ्लाई और डस्ट. मैग्नेट पे आयरन पार्टिकल्स जो आयरन से रिलेटेड है वो चिपक जाएंगे, और नीचे वेस्ट. वेस्ट की एक लिमिट है, आफ्टर दैट लिमिट इफ यू टेक आउट फाइबर विल बी गोइंग डाउन. वेस्ट कैसे निकालोगे? अभी मैंने बीटर बताया है कैसा बनेगा, ये समझ में आ गया? पहले मोटे मोटे होंगे फिर पतले, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड पॉइंट दैट स्टार्टिंग में होल्ड नहीं करेंगे हम उसे, होल्ड करेंगे तो क्या होगा, टर्निंग स्टफ ये खराब हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा शार्प से, ये रप्चर हो जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में, अब क्या होगा फीड की अलग अलग मेथड हो गया, फिर बीटर आ गया, फिर ऊपर क्या चाहिए, सक्शन चाहिए जो डस्ट निकालेगा, फिर क्या चाहिए एक मैग्नेट चाहिए, फिर नीचे क्या चाहिए वेस्ट निकालने का कोई मेथड चाहिए. क्लियर हो गया? देन आउटपुट आ गया, मशीन क्लियर हो गई है. एक कोई भी व्हाट एवर मशीन यू आर टेकिंग दिस विल बी देयर. लेट अस से जैसे कार है, पहले इंजन होगा, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर लगेगा, कूलेंट डलेगा, इतनी सीटें होंगी, फिक्स है नहीं चीजें, इतने दरवाजे, सम स्टैंडर्ड्स आर फिक्स. उसके बाद अभी लेंथ कम ज्यादा लेनी है वो मर्जी है, बट ठीक है, उसमें इंजन कितने सीसी का लेना मर्जी है, उसमें ब्रेक कितने पावरफुल लेने वो मर्जी है, बीटर में बीटिंग एक्शन कैसा लेना वो दैट इज योर चॉइस. ठीक, फीड विल बी देयर, कैसी फीड होनी चाहिए दैट विल बी चॉइस. आउटपुट विल बी देयर, कैसा होना चाहिए वो चॉइस है. ऊपर से डस्ट की सक्शन है, किस तरह सक्शन होगी दैट इज अ चॉइस. नीचे क्या है, वेस्ट एक्सट्रैक्शन है उसकी चॉइस है. क्लियर हो गई ये बात, ये सब क्लियर हो गया, ये मशीन क्लियर हो गई. और मैं ब्लोरूम की मशीन क्लियर करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ मशीन जब मैंने नोट्स में देखा है, फर्स्ट वाली मशीन एंड में पढ़ा रखी, ये वाली यहां, तो सीक्वेंस यू कैन नॉट मेक, इसमें नहीं अपने इसमें सीक्वेंस, हमारे में तो इसमें 5 नंबर का आएगा. ठीक है, पर वो सब्जेक्ट में मैंने देखा था कि प्रॉब्लम आती है. ये क्लियर हुआ ओपनिंग, वेन एवर यू आर ओपनिंग, यहां ओपन हुआ नीचे और ऊपर क्लीनिंग हुई, ओपनिंग एंड क्लीनिंग आर गोइंग साइमल्टेनियसली इकट्ठी. ठीक, मिक्सिंग पहले भी हो सकती है, मिक्सिंग वो चलता रहेगा थोड़ी बहुत हो जाएगी बाद में, बट मिक्सिंग तो मिक्सिंग सबसे पहले स्टार्टिंग में मिक्सिंग ही होगी, थोड़ी सी ओपनिंग होगी. फर्स्ट मशीन विल बी डूइंग मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मोर एंड ओपनिंग अ बिट. 10 इंच का डस्ट है उसको कुछ थोड़ा सा कम करेगा वो साइज में, 2-3 इंच में, देन फिर हम ओपनिंग करते जाएंगे, देन क्लीनिंग करते जाएंगे. ये क्लियर होगी बात. ठीक है, व्हेन स्टार्टिंग मशीन में वी आर नॉट क्लीनिंग डस्ट, इट मींस कि नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे जरूरत नहीं है, तो स्टार्टिंग की मशीन हम बनाते हैं. पेज नंबर आ जाओ, देखो 9 पे ऊपर काटा हुआ ग्राइंडर फीडर और ऑफ कर आगे, और 10 नंबर पे टॉप पे 9 पेज नंबर 9 और 10 जो ऊपर वाली मशीन है दिख रही है, इन मशीन में कहीं भी नीचे जगह है क्या क्या चीजें हैं देखो. अब इसमें पहली मशीन कैसी होगी, इसका नाम होगा बेल ब्रेकर ब्लेंडर, बेल को तोड़ना ब्लेंडर, ब्लेंडर मिक्सर बेल ब्रेकर. ब्लेंड देखो, मिक्सर कहीं भी लग सकता है, ब्लेंडर लग सकता है उसमें स्टार्टिंग वाली मशीन में, ठीक है, ओपनर नहीं लगा होगा स्टार्टिंग वाले में वर्ड. मिक्सिंग बेल ओपनर मिक्सिंग ब्लेंडर इस तरह से आएगा, मिक्सिंग वर्ड आ गया ना, उसमें मिक्सिंग आ गया ब्लेंडिंग. तो लेट अस डिजाइन फर्स्ट मशीन, दिस इज द पॉइंट
ये एक लैटिस है, उसका नाम क्या है, लैटिस सिंथेटिक का हो गया, अपना साइज हो गया, एक रोलर यहाँ हो गया, एक रोलर वहां हो गया, टाइट कर दिया, ये चलेगा 2 फिट 3 फिट 1 मिनट, ठीक है, बिल्कुल धीरे ही चलेगा ना स्टार्टिंग में, तो थोड़ा थोड़ा मटेरियल फीड होना चाहिए, धीरे धीरे खुलता रहना चाहिए, और स्पीड से मटेरियल दोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, खुलेगा नहीं ना, ठीक है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, जितनी स्पीड बढ़ाओगे ओपनर की, सॉरी इसकी स्पीड बढ़ाओगे फीडर की, माल फीड ज्यादा होगा ओपनिंग कम होगी, ओपनर की स्पीड बढ़ाओगे तो ओपनिंग ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम करोगे तो ओपनिंग ज्यादा होगी, ठीक है। जितना पकड़ बनाओगे उतना टूटने के भी चांस है, क्लियर हो गया। तो पहला ही लैटिस ये सीधा है, ठीक है, स्ट्रेट लैटिस इसका नाम लिख रखा हुआ, देखो 9 और 10 पेज पे। देन एक लैटिस आएगा इंक्लाइन, इस पर तो मटेरियल डालेगा अंदर जाना, ये वाइट बोर्ड पर, ये इस पर देखो ऐसे लगा हुआ, ऐसे नेल्स होंगे, पट्टिया भी एक यहाँ पे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेटर से इतने में 10-12 नेल्स है, 10-12 ऐसे 10 रोज इधर होगी, 10 रोज इधर, इतने हो से, ठीक है ना, बड़ा कंघा आ गया ना पहले, एक यहाँ आया मटेरियल, ठीक है, इस पे आ गया, इसकी नेल है तो ये उठा लेगा ना, उसमें उठा लेगा नहीं तो इकट्ठा होगा, इसका प्रेशर बनेगा तब उठा लेगा। अब इसमें फीड का कोई मैकेनिज्म नहीं है, पकड़ नहीं है ना, पकड़ बनाएंगे तो दिक्कत होती, ठीक है। तो इसमें फीड फर्स्ट मशीन, क्लियर हो गया, ओपनिंग का ये मेथड है, क्लियर है, ठीक है। अब ये यहां से आगे यूं चला जाएगा ओपनिंग, तो वही नहीं खुला, तो नहीं मटेरियल उठाया वहां से ले गए, ये यहां यूं चलता रहेगा, यूं 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 ये गिरेगा क्यों, यहां एक रोलर है, इसके बीच में सेटिंग है, जितनी ये सेटिंग है इससे बड़ा टफ टुकड़ा बाहर नहीं जा सकता, ये कैसे घूमेगा, जब ऐसे घूमेगा तो इसको गिराता जाएगा, ये यूं जाएगा मटेरियल, यहां गिरता रहेगा, इसमें घूमता रहेगा, इट इज मिक्सिंग, यहां क्या हो रही है, इसमें कुछ फंस जाएगा फाइबर, एक ब्रश लगी हुई है वो क्लीन कर जाएगी, ठीक, दिस लैटिस इज गोइंग दिस वे, ठीक है, दिस इज रोलर से कुछ भी कह लो, कोई रोलर कह लो, ये इसको खोल रहा है, ये साइज ऑफ टफ इज डिफाइंड है, अब छोटा हो गया 10 इंच से लेटर से 2 इंच 1 इंच साइज हो गया, इतने mm बोल दिए, इसे 5 mm लेटर से इट इज ओपन, 1 सेंटीमीटर का ही टफ निकल पाएगा, थोड़ा बोल करते हैं, तो कितना हो गया 10 इंच से एकदम से इतने टफ बन गया, अब तो हो सकती है इसकी ओपनिंग क्लीनिंग, ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट मशीन विल बी लाइक दिस, नो क्लीनिंग नीचे ये नहीं है, नो फीड, यहां से सक्शन होगी डस्ट की, ठीक है ना, डस्ट तो उड़ेगा, इसकी सक्शन हो जाएगी, डस्ट होगी यहां से आएगी, नाउ हेयर ये या तो ये इकट्ठा हो जाएगा और आगे चला जाएगा, या यहां ही रोलर, अब ओपनिंग रोलर आ जाए, ये देखो रोलर दे दिए, तो ये ऊपर हो गए ना, थोड़े थोड़े छोटे साइज बन गए, ये मटेरियल आ गया, अब ये रोलर आ गया ओपनिंग सॉ टूथ टाइप का, थोड़ा सा है इसमें आगे, है ना, ठीक है। आइदर यू कैन गिव इन द फर्स्ट मशीन और यू कैन मेक अ सेपरेट मशीन,
अब ये याद ले एक और मशीन बनाने के लिए साथ में क्यों दिया है इसके, ये ओपन होने लग गया, इसको बोलेंगे लूज फील्ड, लूज है ये फील्ड, ठीक है। और एक यहाँ पे है, एक ऊपर रख दिया, वो हिलता रहे, फिक्स नहीं है। गन्ने का जूस का देखा है सिस्टम, पहले उसे खोल देते हैं फिर वो जूस जाएगा, फिर से तो सेटिंग कर रहे हैं उसकी बेसिकली, ऐसे ही ये सेटिंग है। पहले इसको थोड़ा गैप रखेंगे, आगे वालों में सेटिंग कम होती जाएगी। सेटिंग कितनी होती है, 1/1000 ऑफ एन इंच, इंच का 11वां हिस्सा, ऐसे लिख देते हैं 5000 ऑफ एन इंच, इसमें होती है सेटिंग 1/1000 ऑफ एन इंच, क्या सीधा बोलोगे 1000 ऑफ एन इंच में सेटिंग होती है, या आगे मान लो 20000 होगी, फिर आगे 5 पे 4 पे चली जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, ये क्लियर हो गया। नाउ ओपनिंग हो रही है नीचे, वेस्ट गिर जाएगा, क्लीनिंग होगी, ठीक है। अब ये वाले रोलर कैसे होंगे, 10 नंबर पेज पे आ जाओ, नीचे रोलर वो दिख रहा है, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें, फर्स्ट मशीन दिख गई, जो इसका गैप है इंक्लाइंड लैटिस और ऊपर जो रोलर है वो देखो, इसमें 2 नंबर पे 10 पेज में लेफ्ट साइड में गैप दिखा रखा है, वो लाइन बना के समझ में आ गया, इतने गैप की ही निकलेगी। फिर ये रोलर दिखा दिया, ओपनिंग रोलर, ये आ गई समझ में, क्लियर होगी थोड़ी सी मशीन कैसी होगी। एंड हाउ द आयरन पार्टिकल इज टेकन आउट, वो यहां नहीं निकलेगा, वो निकलेगा पाइप से, अब पाइप से तो मटेरियल स्पीड से जाएगा, कैसे आएगा पकड़ में, तो वेयर आर यू वांट, एक बेंट दे देंगे हम, मटेरियल जा रहा है बेंट दे दिया, अब बेंट पे क्या होगा, मटेरियल स्लो होगा, और यहां पर क्या दे दिया, मैग्नेट, क्या दे दिया, इधर सक्शन लगा हुआ है, डस्ट भी खींच रहा है और मटेरियल को भी, लेकिन मटेरियल को यहां गिरा देगा, एक मेथड होता है कंडेंसर का, ठीक, डस्ट को अंदर सक कर लेगा, ये बता दूंगा मैं तुम्हें एक बार, एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि वहां पढ़ लें प्रिंसिपल, मतलब बेसिक, ये क्लियर हो गया फर्स्ट मशीन कैसी है, ठीक है। पीछे आ जाओ, ये नीचे ओपनर दिखा रखा, ऊपर ब्लेंडिंग फीडर दिखा रखा है, दीज आर स्टार्टिंग मशीन, क्लियर हो गई ये मशीन तीनों, ये स्टार्टिंग वाली मशीन है, 9 नंबर पेज पे ऊपर की दो, 10 नंबर पेज में ऊपर वाली, हो गई क्लियर। फिर ये बीच में स्टेप क्लीनर, अल्ट्रा क्लीनर, स्टेप क्लीनर, नीचे एक लिखी हुई है, लिखी हुई है, इसमें देखो 6 रोलर हैं ऊपर जाने के लिए, और नीचे ना डैश डैश मार के लिखा हुआ है कहीं, क्या लिखा है, नीचे देखो हर रोलर के नीचे थोड़ा थोड़ा इस तरह का बना रखा है सर, हर रोलर के नीचे दिखेगा तुम्हें, ये स्पेस दे रखा है बेस गिरने का, ये आ गई 2nd नंबर पे 3rd नंबर पे, अब इसी तरह की मशीन आ जाएंगी, ठीक है, 2nd पे 3rd पे 4th पे, लास्ट वाली मशीन मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, 8 नंबर 10 पे नीचे राइट साइड में, राइट साइड में ना एंड में, ये लास्ट वाली मशीन है, देखो पीछे से मटेरियल आ रहा है बिल्कुल लाइट, हल्का सा भरा हुआ डॉट डॉटेड डॉटेड, लास्ट ये वाली मशीन ईआरएम क्लीनर बोलते हैं, ये फिर नीचे जा रहा है, 2 रोलर, इट इज गोइंग बिटवीन 2 रोलर्स, 3 रोलर्स, बिल्कुल सेटिंग है, उसके बाद देयर इज वन ओपनर, देन देयर इज जो बिलो ओपनर इज वेस्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, क्लीनिंग होगी ओपनिंग होगी, लास्ट मशीन है। बीच में अभी जो मशीन आती है वो एक एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फ्लोर रूम इज अ रूम वेयर ब्लोइंग ऑफ द मटेरियल इज डन, एंड बाय ब्लोइंग इन वी आर ओपनिंग इट, दो भी फटका ऐसी मार, ओपनिंग एट डन क्लीनिंग इट, क्लीनिंग इज डन टॉप बॉटम एंड मैग्नेट, ओपनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स, फीट रोलर्स पकड़ बनाएंगे एंड
ओपनिंग रोलर, ओपनिंग इससे होगी। इफ द फीड इज स्पीड इज हाई ओपनिंग विल बी लेस, मटेरियल विल बी फेड मोर, ज्यादा मटेरियल फीड करोगे तो ओपनिंग कम होगी उसी से, ठीक है। स्पीड ऑफ स्पीड रोलर एंड स्पीड ऑफ बीटर, इसकी स्पीड इफ इट इंक्रीजेस ओपनिंग विल बी मोर, फिर बहुत ज्यादा कर दोगे तो तोड़ेगा भी इसको फाइबर को। देन इस पे नंबर ऑफ टीथ कितने, उसके ऊपर डायमीटर कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगी, ये आगे बढ़ता। क्लियर हो गई। नाउ फीड आर ऑफ थ्री टाइप्स, लूज फीड, सेमी फास्ट फीड और फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, फास्ट का मतलब होता है ट्रक, और एक फास्ट का मतलब होता है टाइट करना, लूज का ऑपोजिट होता है फास्ट, टाइट। तो फीड लूज, जो स्टार्टिंग में लूज कितना भी मटेरियल चला जाए हम फीड पे कंट्रोल नहीं करते। सेमी फास्ट इज समवट वी आर कंट्रोलिंग, नीचे से फीड कर रहे, कोई ऊपर रख दिया बीच का, इतनी निकल जाए ठीक है, ये मूवमेंट एडजस्टेबल है, ज्यादा मटेरियल आ गया ऊपर हो जाएगा, कम आ गया नीचे, बट इट इज मेकिंग सम प्रेशर सो दैट ओपनिंग इज टेकिंग प्लेस ओपनर के लिए। और एंड में क्या है, फास्ट फीड, कौन सी है फास्ट फीड, वो करने वाली, समझ आ गई। दोनों तरफ से फिक्स है रोलर्स, टाइट कर रखे हैं, 1000 ऑफ एन इंच में सेटिंग सेट है, बिटवीन रोलर, रोलर एंड ओपनर के बीच में भी सेटिंग करोगे, कितनी सेटिंग होगी, 10,000, 10,000, 12,000, 14,000, इतनी होती है, गैप इतना होगा बिल्कुल इतना सा, ये मत सोचो ये अलग अलग होगी, कितना 14,000, 15,000, 16,000, 20,000, बस 20,000 मीन्स 1/50 ऑफ एन इंच, ठीक है, कितना होता है ना वो 1/10 ऑफ इंच, उसका भी बारी कितना गैप होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है, 20,000, 10 से 20 मान लो, हो गया ये, ठीक है। बीटर की शेप समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, बीच में नाउ व्हाट इज देयर, पहली तो मशीन ऐसी आ गई, सेकंड मशीन आ गई जैसा ये बीटर लगा हुआ कोई भी, थर्ड मशीन आ गई एक बीटर की, और छह पीछे बिन लगा देते हैं, छह यहां मटेरियल आ गया, कुछ मटेरियल यहां गया, कुछ यहां गया, उस छह में अलग अलग लेवल पे फीड होगी, ग्रीन दैट इज मिक्सिंग बिन, अंदर अगेन मिक्सिंग इज डन, थर्ड मशीन में मिक्सिंग एंड देन बीट अप। तो ये पोर्शन है, इसकी जगह पे छह कंपार्टमेंट है और नीचे से मटेरियल सप्लाई हो रहा है, ये वाली चीज रहेगी वहां पे, फर्स्ट में ये है, थर्ड में कंपार्टमेंट, क्लियर होगी। फोर्थ मशीन देख ली तुमने, ईआरएफ क्लीनर, क्या लिखा नीचे, अल्ट्रा क्लीनर या ईआरएफ क्लीनर, अल्ट्रा क्लीनर।